ए कोड़े माँ मान नाम नाम मान अच्छे ना है गुनापिनी सुनापिनी जबलेन जटेन कात केरुआल जमलाल डाल डाकी हाकियान भैरोला है तापर यू आप कार्तिक पूर्णिमा दिन डकाय कार्तिक चौदशी दिन भोर चारटारु ना धरिक सब मुझे जाए ठाकुर को लेकिन ये शिव पार्वती अच्छे नहीं कि सुसज्जित विमान नेसू नहीं ना धरिक प्रथम मुई डाकमी तापर आम बेहरा पाने रे मुँ आदेश कला उतारू बेहरा पाने रे बुड़ी बुड़ी से माँ मान खुआवा आउ से दिन ठारू कार्तिक मास पूर्णमी ठारू से माछ माने बाहर पहुँच गए हैं और एक नए टूरिस्ट प्लेस पे। और ये कौन सा टूरिस्ट प्लेस है जानते हैं वीडियो के आगे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल अनंत ब्लॉग, आप सभी को अनंत ब्लॉग पे फिर से स्वागत है। और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कौन सा आज टूरिस्ट प्लेस है।
पर्यटक है उनको पूछते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या है। मोर ना है गजेन्द्र पूजारी हेरिटेज सेवाय मुख्य सेवाय मंदिर आम पूजापाठ सब करस महाप्रभु सब सेवा जहाँ अच्छी पर्वपर्वाणी है नीतिकांति पर्वपर्वाणी सब कर पूर्वपुरुष मंदिर से बाबा साइजा एवं विश्वकर्मा तैयारी है आम पूर्वपुरुष कही आज आम बाप गले बापर अजा कही आसुच आर ए जेनटा नुआ तैयारी हवा से प्रतिष्ठा दिन ऑटोमेटिक बैंड हो तार मन को से बाबा साइजा अच्छे कुढ़ माछर मानने जे नदी में अच्छा कुढ़ माछटा से ही जगार के रोचन आउ अलग आड़े के ना जी ना से मछ मैंने से आगु मंदिर पूरा से हेला से समय मछटा से अच्छा आउ से मैंने कहीं जीवे नहीं आ से मैंने आईसा भी गंधे नहीं आता हाथ रू देसन तार मान आउे गोटे स्त्री लोग गोटे काटूला आ से पथर ही आम कन्हेकूद बोले गोटे जगह अच्छे से तार स्टेचु कराई जगार नाटा क्या कह कन्हेकूद कनेकूद मूर्ति अच्छे से मछ कटा भी अच्छे स्त्री लोकटा कूड़े माँ मान ना मान अच्छे ना है गुनापिनी सुनापिनी जगलेन जटेन कात केरुआल जमलाल डाल डाकी हाकिन भैरवला है ये आप कार्तिक पूर्णिमा दिन डका कार्तिक चौदशी दिन भोर चारटू ना धरिक सब मुझे जाए ठाकुर को लेकिन ये शिव पार्वती अच्छा नहीं कि सुसज्जित विमान से नेसू नहीं ना धरिक प्रथम मुई डाकमी तापर आम बेहरा पा आदेश कला उतारू बेहरा पा बुड़ बुड़ी से माँ मान को खुआवा आ दिन ठार् कार्तिक मास पूर्णमी ठारू से माछ मैंने बाहर आमर इन सब थ्रु बड़ पर्व है महाशिवरात्रि जेनटा फाल्गुना मास चौदशी दिन से आज बैशाख मस रहा चंदन जात्रा कार्तिक मस रहा माछ मान गोटे पर्व आसी कार्तिक चौदशी दिन तापर आमर आषाढ़ मस रथजात्रा आसी आमर दशहरा मस माँ भैरवी इटा पूजा अष्टमी रु पूर्णमी तक तर पूजा कराएसी बलि एवं माछ भोग करासी भी एमती तम मैंने पर्वपर्वाणी ठाकुर प्राय सब हो बाहर सब आड़े आसन आम आमेरिका है आम उड़ीसा पूर्व उड़ीसा सब आड़ तमें प्राय सब देश आसा इन पूजा कर मत याद 50-55 वर्ष हलान इन पूजा करवाट बापा कहते बापा तरह मुझे कह अच्छा बाहर गोटे बोर्ड लगा है से मैंने कहा जाए जे फर्स्ट राजा संबलपुर बलराम देव से बनईन बोलिए हाँ आए से मान्यता अच्छे कि इतिहास रे पुराण शास्त्र भी अच्छे किटा विश्वकर्मा तैयारी हाँ तात्पर्य तात्पर्य तमने की विश्वकर्मा रूप से तमने निजे विश्वकर्मा रूप से आसी आम संबलपुर राजा तमें से विश्वकर्मा स्वप्नादेश देते विश्वकर्मा हिसाब से आ सर्वप्रथमे तो यहाँ सब गिलवण था ये जंगल था आटा आम हुता पपंगा हुता गोटे गाई नदी पार हो आसिक सब गिलवण था आ से ऑटोमेटिक आसिक क्षीर सेन दूला से क्षीर से हाँ से पटके आसिक से ऑटोमेटिक आसे क्षीर दी आर गौड़ दिने तार जो चोर था से चोरावाल लोकटा जा मोर से हुता कहला जी मोर गाईटा सुखी गला बाछुरीटा तु सब क्षीर बिकि दौ बाहर बोल कहला बेले तो सेन दिने से गौड़ तार लाइज के धरिक आला आखला बेल से ऑटोमेटिक क्षीरटा सेन पड़ू बेले सेन तो से हुता को से दिन रात स्वप्न तोर गाई जा मुई से क्षीर खाई अच्छे आ मोर ना है विमलेश्वर बाबा आर तु आसिक सेवा कर बोल कहला हुता को स्वप्न है हुता आसिक प्रथम सर्वप्रथमे पूजा कले तापर आमर इच्छा देव पूर्वपुरुष जी अच्छे से ताकू फिर से आसला उतारू से पूजा कले आम सेनु तार उत्तराधिकारी समस्ते करूँ इच्छा देव थ्रु आम पूजा मैंने यहाँ सब आम पूर्वपुरुष अनुसार आम करूँ ओके धन्यवाद आज्ञा आप बहुत इम्पोर्टाट नलेज आम सेयार कले तो धन्यवाद और ये लिनिंग टेम्पल 1545 से 1560 के बीच बना है और ये संबलपुर का फर्स्ट राजा थे।
जो राजा बलराम देव वो इसको बनाए हुए हैं। और ये मंदिर उत्तर पूर्वी की तरफ 46 डिग्री टेढ़ा है, तो इस मंदिर को इसलिए लीनिंग टेम्पल बोला जाता है। बैकसाइड, और बैकसाइड पे हमारा ओडिशा का जो लॉन्गेस्ट रिवर है महानदी, वो इस मंदिर के बैकसाइड पे है। आप देख सकते हैं ये महानदी है यहाँ पे, और यहाँ पे कूड़ो मास ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे। और फिलहाल तो बारिश का सीज़न है ये, और आपको कूड़ो मास दिखाई नहीं देगा, पर मेरे पास कुछ क्लिप है तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगा ये कूड़ो मास का क्लिप। तो आप एंजॉय कीजिए लीनिंग टेम्पल का बैक साइड का महानदी का जो कूड़ो मास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। भी होता है, नौका से आप उस तरफ जा सकते हैं जो दूर दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा पहाड़ टाइप का, वहाँ पे काली मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं लोग इस नौका से। और अभी थोड़ा कोविड का टाइम है तो ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, जो लोकल्स हैं ज़्यादातर आ रहे हैं। और आप इवनिंग पे यहाँ पे आनंद बहुत अच्छा ले सकते हैं, और आप इवनिंग पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। महानदी का जो हवा देता है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे महानदी का दृश्य है जो बहुत सुंदर दिखता है। आप जब भी आएंगे तो लीनिंग टेम्पल का ये जो बैक साइड है तो आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तो ज़रूर आइए लीनिंग टेम्पल। देखते हैं इस मंदिर के आसपास और भी कौन सा मंदिर है, तो चलते हैं मंदिर के अंदर।
तो आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग पे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।